वेलकम अगेन गाइस टू दिस डिस्कशन क्लास 9th ज्योग्राफी क्लास 9th एंड ज्योग्राफी एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6 एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास ज्योग्राफी का बेसिकली। और सिविक्स तो ऑलरेडी है हमारे चैनल पर क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की, एंड क्लास 10th की भी ज्योग्राफी अभी स्टार्ट होने वाली है। तो यस हम कर देंगे स्टार्ट अभी, ठीक है, तुरंत ही हो जाएगी इसके ख़त्म होते ही। तो चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज नॉट वेरी हार्ड चैप्टर, अगर हम आपके प्रीवियस चैप्टर देखें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है कंपेरेटिवली दिस। पहला चैप्टर बहुत आसान था, पॉपुलेशन बहुत आसान है, ठीक है। सो उसके अलावा सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर बहुत हार्ड था, हम बात करें। थर्ड ड्रेनेज हार्ड था, फोर्थ क्लाइमेट हार्ड होगा, ठीक है, फिफ्थ नेचुरल वेजिटेशन वो भी हार्ड है। सो बेसिकली पॉपुलेशन और जो पहला चैप्टर बहुत आसान है अगर हम कंपेयर करें बाकी चार चैप्टर से। तो सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। सो यस वी ऑल नो कि ह्यूमन बींग क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर हैं अर्थ रिसोर्सेज के। तो हम प्रोड्यूस भी करते हैं और हम कंज्यूम भी करते हैं अर्थ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। रिसोर्सेज के लिए हर किसी का अलग अलग, रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारी नीड को फुलफिल करें। तो किसी के लिए अल्कोहल जो है वो हम बात करें क्या होगी, रिसोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि उससे उसकी नीड पूरी हो रही है, ठीक है। अब जो अल्कोहल नहीं पीता उसके लिए वो रिसोर्स नहीं है, ठीक है। किसी के लिए किसी एक ओल्ड ग्रैंड मदर के लिए उसके बेटे की हम बात करें कार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इमोशनल वैल्यू हो सकती है जो उसकी नीड पूरी करे, इमोशनल वैल्यू हो जिसके साथ अटैच, तो वो रिसोर्स हो सकता है। तो बहुत रिसोर्सेज की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री वेयर दे लिव एक्सेट्रा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि कितने पीपल हैं किस कंट्री में रह रहे हैं और कितने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। सो इफ वी डोंट नो द पॉपुलेशन देन हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट हाउ मच रिसोर्सेज वी नीड, ठीक है। सो अगर जिसको समझ में नहीं आया इसका मतलब ये है कि कितने, अगर हमें पता ही नहीं कि हमारे पॉपुलेशन कितनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं आपके घर में कितने मेंबर हैं तो आप खाना किस हिसाब से बनाओगे, सो वो वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट। तो ऑलमोस्ट हाफ मीन्स अगर अभी पॉपुलेशन हमारी 140 करोड़ है तो हाफ हो गई 70 करोड़। 70 करोड़ पॉपुलेशन ओनली 5 स्टेट्स में है, और टोटल हमारे पास स्टेट्स कितनी हैं बहुतों को नहीं पता होगा, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरेटरीज। तो जिसको नहीं पता है पहला चैप्टर देखो पहले, ठीक है। 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरेटरीज। अगर 5 स्टेट्स में ही सिर्फ आधी पॉपुलेशन है तो बाकी स्टेट्स में क्या है? तो जो 5 5 स्टेट्स हैं उनका नाम है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। इंडिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है बाय डेंसिटी, डेंसिटी मींस पता है पॉपुलेशन प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, कि कितनी पॉपुलेशन है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, वो होता है बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब डेंसिटी के हिसाब से। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। तो सिर्फ दो ही कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जिसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। सो यस वी आर थर्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी, बट अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वी आर सेकेंड। चाइना के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड देन इंडिया। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो चाइना में कम है, इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, इवन जापान में और बांग्लादेश में हमसे ज़्यादा है, ठीक है। सो इन इंडिया असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो असम और जो पेनिनसुलर स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है एज कम्पेरेटिव टू नॉर्थ। नॉर्थ में आप कोई से भी ले लो, यूपी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, बिहार ले लो, ठीक है, आप दिल्ली ले लो, ठीक है, बेंगलुरु ले लो, तो बहुत कर्नाटका बेसिकली, तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू साउथ। तो पेनिनसुलर इसमें कोई संदेह नहीं है। द नदर्न प्लेन एंड केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। जो नदर्न प्लेन और केरला, केरला एक ऐसा इकलौता साउथ में है जिसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। जो नदर्न प्लेन, नदर्न प्लेन मीन्स जो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, पंजाब, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तो ये सारी जो जगह हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई से बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की और जो प्रोसेस है पॉपुलेशन चेंज होने की उसको बात कर लेंगे। तो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो जन्म लेना, जान देना और माइग्रेशन इधर से उधर ट्रैवल करना, तो 3 कंपोनेंट है किसके, पॉपुलेशन के। तो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन।
नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो व्हाट इज पॉपुलेशन चेंज? सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है बेसिकली? तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है कि कितना इनहेबिटेंट में चेंज आए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह में 100 इंसान रहते थे, तो मान लो एक साल में वहाँ पे हो गए 130, ठीक है, तो कितना चेंज आया, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट कितने चेंज हुए, 330 प्लस हुए हैं. तो दिस इज द ग्रोथ, ठीक है, दिस इज द ग्रोथ. और स्पेसिफिक पीरियड मतलब एक साल में मैंने अभी कंसिडर किया है, बट जो सेंसस है वो इंडिया में 10 साल में रिलीज होते हैं. सो 2011 के बाद ये इकलौता 2021 होगा जहाँ पे सेंसस निकलेंगे, और 2021 में ही हम वीडियो बना रहे हैं. सिंस 1985 द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. तो 1985 के बाद जो रेट है ग्रोथ होने का वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है. डिस्पाइट दैट इंडिया में ओवरटेक चाइना बाय 2045, और मेरी मानो तो 2045 की जगह 2035 कर दो, ठीक है, 10 साल और कम लगेंगे, बिकॉज जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी हाई है. हम बोल सकते हैं कि हाँ कम हुआ है, पहले से 1985 से कम है ग्रोथ रेट, बट वही ज़्यादा है, ठीक है. सो एज कंपोजिशन, एज कंपोजिशन, तो एज कंपोजिशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री. तो ये एज कंपोजिशन है वो क्या रेफर करता है? रेफर टू द कितने लोग रहते हैं किस कंपोजिशन में. सो तीन कंपोजिशन है, चिल्ड्रन एज, वर्किंग एज, ठीक है. सो चिल्ड्रन में कितने पॉपुलेशन है, वर्किंग एज में कितनी है, और एज में कितनी है. तो ये इसे कहते हैं हम एज कंपोजिशन, ठीक है. एज कंपोजिशन को हम बॉयज़ और गर्ल्स में भी नाप सकते हैं कि कितनी बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, तो उसमें हम नाप सकते हैं. तो ये रहा हमारा थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, वर्किंग एज 15 से 59, एंड एज एबव 59. तो पीएम मोदी क्या है, एज कैटेगरी में आते हैं हमारे, ठीक है. और अगर हम वही बात करें किसी एक अच्छे ऑफिसर की, तो ही विल डेफिनेटली इन द वर्किंग एज, वर्किंग एज, बिकॉज 60 ईयर पे तो रिटायरमेंट हो जाता है, तो उससे कम ही होंगे. अब बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो की. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हमने पढ़ लिया एज कंपोजिशन. अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की. तो सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन इज नोन एज सेक्स रेशियो. तो नंबर ऑफ फीमेल्स कि कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पे, इसको हम कहते हैं क्या, सेक्स रेशियो. द सेक्स रेशियो इन द कंट्री हैज ऑलवेज रिमेंड अनफेवरेबल टू फीमेल. तो यह हमेशा अनफेवरेबल रहा है फीमेल के लिए, मीन्स फीमेल्स हमेशा कम होती हैं, मेल्स हमेशा ज़्यादा होते हैं. तो कुछ मेल्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे तो हमारे लिए अनफेवरेबल है, ठीक है. सो मतलब क्या है इसका बेसिकली, ये कि कितनी कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पे, तो हमेशा कम रहता है ये, मतलब नॉर्मली कम रहता है. ऐसा नहीं है कि तो केरला में ज़्यादा है, कर्नाटका में ज़्यादा है 1000 से, बट ऑलमोस्ट हर स्टेट में क्या है, कम है. तो ये अनफेवरेबल है वुमेन के लिए. बट अगर हम सुने किसी एक अच्छे इंसान मतलब एक मेल से, तो वो बोलेगा नहीं ये तो हमारे लिए नुकसान है ना, क्योंकि फीमेल्स कम है. दिल्ली में मे बी अराउंड 850 के आसपास है, आसपास बोल रहा हूँ मैं, पूरा कंफर्म नहीं बोल रहा, 848 भी हो सकता है, ठीक है. तो इस हिसाब से है, तो देखो 150 मेल्स विदाउट मतलब विदाउट गर्ल है. तो मतलब हम बात करें अगर इनकी इनकी रिलेशनशिप की, तो ये सिंगल होंगे गारंटेड, ठीक है. सो 150 मेल्स के पास उनका पार्टनर नहीं होगा. सो ये अनफेवरेबल है मेल्स के लिए, ना कि फीमेल्स के लिए, बट हाँ अनफेवरेबल है क्योंकि हम फीमेल्स जो आजकल इंडियन सोसाइटी है वो सोचते हैं कि यस फीमेल्स नहीं होनी चाहिए, मेल्स होना चाहिए, हर किसी के घर में यही होता है आजकल. बट हाँ अब जैसे जैसे जनरेशन पढ़ रही है वो फीमेल्स को भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लड़की हुई है तो अच्छी बात है, ठीक है. सेक्स रेशियो में आ गया नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन. लिटरेसी रेट, सो पर्सन एज्ड 7 ईयर. सो लिटरेसी रेट क्या होता है? तो ये होता है कि एक पर्सन जिसकी उम्र 7 साल या उससे ज्यादा है एंड अबव, हु कैन रीड, जो पढ़ सके, जो लिख सके विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ ही, नहीं कुछ भी लिख रहा है ऐसा नहीं. तो आजकल तो 15 साल के लोग भी, 15 ईयर्स जो स्टूडेंट होता है, हम बात करें लड़का लड़की होती है, वो भी वो लिखते हैं जो वो खुद नहीं समझ पाते हैं. बेसिकली ये सच है, ठीक है, ये सच है, ठीक है. तो बट लिटरेसी रेट क्या होता है कि एक पर्सन जिसकी उम्र 7 या 7 से ज़्यादा साल है, जो लिख सकता है विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, किसी में भी, बंगाली में, कर्नाटका, किसी भी लैंग्वेज में जो लिख सकता है, उसको हम एज ए लिटरेट ट्रीट करते हैं. तो वो लिटरेट में आता है. तो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा के हो और किसी भी चीज़ में लिख सकते हो, समझ सकते हो, तो यस यू आर अ लिटरेट पर्सन. देयर हैज़ बीन अ
स्टडी इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल इन इंडिया. तो पहले जो लिटरेसी लेवल था बहुत कम था, बट नाउ द लिटरेसी लेवल इंक्रीजिंग. इन मेल्स द लिटरेसी लेवल इज 76% एंड इन फीमेल्स द लिटरेसी इज 55% के आसपास. 55+ मे बी 60 से कम है, बट ये 55% से ज़्यादा है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी में है, टर्शियरी में है. तो इस तरह की जो बात होगी वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में होगी. तो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट. सो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव, तो जो भी परसेंटेज है पॉपुलेशन की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100, एक कंट्री है जिसमें 100 लोग रहते हैं और उसमें से हम बात करें 90 लोग जो हैं वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी. इकोनॉमिकल एक्टिविटी मीन्स रिलेटेड टू मनी, जो भी मनी प्रोड्यूस करते हैं या खर्च करते हैं. अगर आप कुछ खर्च कर रहे हो तो यस यू आर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर आप एक लेबर हो तब भी आप क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेते हो. सो 90 लोग इकोनॉमिकल एक्टिव हैं. सो द लिटरे जो इकोनॉमिकल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग होगा. और अगर सिर्फ सोचो 100 में से सिर्फ 50 ही ऐसे हैं तो क्या उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, नहीं होगी बेसिकली, ठीक है. तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं जितने, अगर जितना ज़्यादा ये इंडेक्स मतलब जितने ज़्यादा लोग उसमें एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलप होने के लिए. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. तो द डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कुछ पॉपुलेशन प्राइमरी में, कुछ सेकेंडरी में, कुछ टर्शरी में. तो जो भी ये डिवीज़न है, जैसे एज कंपोजिशन में था कि कितने एज वाले हैं, कितने वर्किंग वाले हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, उसी हिसाब से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में है कि कितने प्राइमरी एक्टिविटी में है, कितने सेकेंडरी में है और कितने टर्शरी में है. इसी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. सो प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बेसिकली, रॉ मटेरियल. सेकेंडरी मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी मीन्स सर्विस सेक्टर, ठीक है. तो अगर किसी भी कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर मतलब एक जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसका सेकेंडरी सेक्टर अच्छा होता है, बट वी आर एग्रो एग्रो बेस्ड इकोनॉमिक वी हैव, ठीक है. सो प्राइमरी एक्टिविटी में हमारे ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं. बिकॉज सबको पता है कि यस प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पहला है इंडिया में. बट जो जीडीपी में, जो ये सारी जीडीपी वगैरह हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, नॉट नाउ, ठीक है. तो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं. टर्शरी में आ जाता है बैंकिंग सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो सर्विस सेक्टर में, ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन दिस एक्टिविटीज, सो वी कैन क्लासीफाई दिस एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952. तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ने एक चीज़ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज़ रिकगनाइज की कि जब प्लानिंग, जब एक जो कपल है वो प्लानिंग करके बच्चे मतलब पैदा करता है, जो भी अपना फैमिली को प्लान करता है कि इस एज पे हम ये करेंगे, इस एज पे हम ये करेंगे, तो जो हेल्थ है और जो वेल्थ, जो हेल्थ है वो जो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल रहती है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं हो जाती तो बहुत सही रहती है, मतलब मेंटेन रहती है, ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया एनपीपी इन 1952. सो फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस फैलाने लगे हम, कि आप बोलते ना बच्चे दो ही सही वाला जो नारा था वो इसी टाइम का है, ठीक है. तो यही चीज़ है. तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसे हम यूज़ करें ढंग से. एंड एनपीपी 2000 इज अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट. इट प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, रिड्यूसिंग इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट. सो जो एनपीपी 2000 52 में 2000 में, तो ये क्या था, प्लान्ड एफर्ट थे कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था कि हम फ्री एजुकेशन देंगे 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स मतलब 14 ईयर्स ऑफ एज तक मतलब 14 साल तक बच्चे को हम फ्री एजुकेशन देंगे. इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट होता है कि बच्चों को मतलब जो बच्चे की मौत होती है पैदा होते ही, ठीक है. तो वो होता है क्या, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, ठीक है. तो वो कम करेंगे, ठीक है, जो बच्चे मर रहे हैं क्यों मर रहे हैं उसको हम ठीक करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें उसमें एनपीपी 2000 में थी. इट आइडेंटिफाइड एडोलसेंट एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट नीड्स ग्रेटर अटेंशन. सो 10 to 19 ईयर्स को हमने मेजर सेक्शन के रूप में माना, क्योंकि यस वी हैव अ यंग जनरेशन. हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हम बात करें यंग जनरेशन है, जो कि गलत डायरेक्शन में है तो उस पर बात नहीं करनी, बट यस जो 10 से 19 साल के बच्चे हैं
उनको अच्छी अटेंशन देनी पड़ेगी हमें कि हाँ इनको कुछ करना है, यही आगे जाके देश के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, जो आज 10 से 19 साल के बीच में है वो 10 से 15 साल बाद कुछ करेंगे, और जैसा वो करेंगे उस पर डिपेंड करेगा इंडिया। तो इसलिए उन्होंने उसको ग्रेटर अटेंशन दी, कि अच्छी अटेंशन दी। आप भी जो देखते हो वो भी इसी कैटेगरी में आते हो, तो बी सेफ एंड प्लीज डोंट यूज़ फोन अननेसेसरीली। यूज़ करो, डोंट यूज़ फोन अननेसेसरीली। तो आजकल सिर्फ फोन स्मार्ट हो रहा है, बट जो पीपल हैं वो डम्ब हो रहे हैं एक तरह से। ठीक है, फोन तो स्मार्ट है बट आप हो, थिंक अबाउट इट। ठीक है, सो अननेसेसरी यूज मत करो। यस, फोन इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। तो बेसिक नीड्स में अब रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट फोन ये सारी चीज भी आ गई हैं, बट इतनी भी नहीं है। ठीक है, तो यूज इट बट यूज इट वाइजली। नाउ इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट एम्स टुवर्ड एनकरेजिंग डिलेड मैरिज, एजुकेशन ऑफ एडोलसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ प्रोटेक्टिव सेक्स एक्सेट्रा। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए NPP 2000 में, और जो एनकरेज कर रहे थे कि आप थोड़ा देर से शादी करवाओ, एज भी बढ़ाई गई थी मैरिज की। ठीक है, सो एजुकेशन ऑफ एडोलसेंट मतलब आप बच्चों को पढ़ाओ, एक एडोलसेंट एज में पढ़ाओ और उनको बहुत बताओ कि प्रोटेक्टिव सेक्स के बारे में। ठीक है, तो यूज़ हम बात करें तो प्रोटेक्टिव सेक्स के बारे में बताओ, तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन में ही आ गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड थी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर में भी ख़त्म, यस ख़त्म। तो अगर देखा है तो थैंक यू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ओनली, बिकॉज आप ये किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। तो आप अपनी क्लास वाले दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ उन्हीं के साथ शेयर करना। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय। इफ यू लव द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद आप पता है किसके साथ। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बाय।